लासुर जाता किस तामर कोड से किसी के शुरू में चलो गेमर्स मैंने जब वो वेलकम बैक टू वाला दर्नी वीडियो आज हम फिर से बार करने वाले इंटरनेट कैफे सिमिलर टू तो एक्चुअल में ये कि हम थोड़ा सा एडिक्टेड हैं सो दैट्स वे आज हम फिर से एक बार इसको खेलने वाले एक्साइटेड अनब्रिलिक्स तो, ग्याँग। तो ग्याँग। में ना इस गेम होने वाला है। तो प्लीज यार इस वीडियो। अगर आपको ये इंटरनेट कैफे सिम्यूटर पसंद है तो अगर बाहर सूरज निकला हुआ है भाई काफी सुहाना दिन है और आज हम इस सुहाने दिन की शुरुआत करने वाले हमारे इंटरनेट कैफे सिमुलेटर 2 से सो लेट्स गो अभी हम आ चुका है दुनिया का सबसे अच्छा कैफ़े चोर बाजार कैफ़े इंटरनेट कैफ़े सो लेट्स ओपन दिस कैफ़े सो ऑफलाइन मैंने इस गेम को थोड़ा सा खेला है तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिसिटी uh, ऑन करनी है एंड यहाँ से जाके अपने कंप्यूटर को ऑन करना है तो कंप्यूटर ऑन करने से पहले गणपति पप्पा मोर बोल के इस कंप्यूटर को ऑन करते हैं ताकि आज का दिन हमारा अच्छा जाए और लोग भाई पैसे टाइम पर दे एंड गाइज और एक चीज़ लास्ट टाइम क्या हुआ था कि लास्ट वाले वीडियो में ना लोग आते थे कंप्यूटर चलाते थे और बिना पैसे दिए चले जाते थे और ऊपर से मेरे को मारते थे क्योंकि जो मेरा डंडा था ना वो खत्म हो चुका है लेकिन एक्चुअल में इस मैप में एक सेकेंड हैंड शॉप है और उस शॉप में हमको वो डंडा भी मिलता है तो ये सारी चीज़ें मुझे गेम को ऑफलाइन खेलने के बाद पता चली कि भाई यहाँ पर एक सेकेंड हैंड शॉप भी है मतलब यार मैंने इस गेम को ठीक से एक्सप्लोर भी करा नहीं था तो आज हम उसी शॉप पर जाकर ना वो एक बेस का बैट डंडा उसको हम जो भी बोलेंगे वो लेकर आएंगे और फिर जो लोग नहीं पैसे लेते भाई उनको हम उनकी बैंड में जाएंगे लेकिन ये बंदा बहुत ज़्यादा डेंजर होता है क्योंकि भाई हमेशा यहाँ पर आकर चोरी करके चला जाता है

तो यहां पर Spotify भी है एंड Steam भी है जहां से हम गेम्स खरीद कर सकते हैं आई मीन खरीद सकते हैं यहां पर वायरस स्कैनर भी है ओके okay, वायरस स्कैनर दैट रीव the द मोस्ट मेलेनियस एंड सुपर virus वायर सॉफ्टवेयर ये एम्प्लॉय क्या है और where you वेर यू कैन फाइंड who हु कैन हेल्प यू टू work ओ भाई तो इस गेम में हम एम्प्लॉयज़ वगैरह भी रख सकते हैं जस्ट लाइक गैस स्टेशन सिमुलेटर भाई ये तो बहुत सही चीज़ है यार तो अभी अभी एक और कस्टमर आया है एक मिनट भाई तो स्टीम तो हमारा डाउनलोड हो चुका है तो स्टीम के ऊपर से भी हम थोड़ी सी गेम्स वगैरह भी परचेस कर सकते ताकि यहाँ पर यार लोग आकर यू नो गेम्स वगैरह खेले क्योंकि यार हम इंटरनेट कैफ़े में इसी की वजह से जाते ताकि वहाँ पर गेम्स वगैरह खेल सके आज के ज़माने में तो कोई नहीं जाता लेकिन पहले हम जाया करते थे तो अभी स्टीम डाउनलोड हो चुका है तो देखते यहाँ पर कौन सी कौन सी गेम्स है और ये क्या है भाई रश ए सिमुलेटर ये काउंटर स्ट्राइक जैसी गेम है टॉस कोल्ड सिमुलेटर ओ भाई काफी सारी गेम्स है यहाँ पे तो इनमें से मैं कौन सी गेम बाय करूँ एंड सारी की सारी गेम्स वन ट्वेंटी डॉलर की है मुझे माइंड क्राफ्ट चाहिए एक मिनट ये, ये माइंड क्राफ्ट की तरह ही लग रहा है

फाइव हंड्रेड डॉलर्स में कौन सी आर कैट मशीन आती है क्या देखता हूँ मैं आ भाई ये सेकेंड हैंड मशीन्स है ये स्पेस शूटर ये अच्छी लग रही है आ बट ये नौ सौ डॉलर्स है लेकिन उतने पैसे मेरे पास नहीं है एंड मुझे यार दूसरा एक नया सेटअप भी बनवाना है तो एक काम करता हूँ अभी ये लड़की मेरे को कितने पैसे देंगे ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या करूँगा क्योंकि ये अभी लिमिटलेस के लिए बैठी है इसका मतलब ये मेरे को एटलीस्ट हंड्रेड या टू हंड्रेड डॉलरस तो डेफिनेटली देगी गिव मी मनी तो मतलब तो परचेस कर सकते पर हैं एक सेकेंड है, है, यहां पर भाई काफी सारी सेकेंड हैंड चीजें मिलती है ये ओल्ड कंप्यूटर केस मेरे को वन हंड्रेड एंड मिला है तो भाई मैं इनकी मदद से भी तो ये अपना सेटअप बनवा सकता हूँ यहाँ पर एक एलईडी डिस्प्ले है टू एटी का ये ये क्या है भाई बेसिक बैक पैक भाई कितनी सारी चीज़ें एक चेयर भी है प्लास्टिक चेयर जो कि सिक्सटी वन डॉलर्स की ए, एक गेमिंग कॉन्सोल है ओह तो सेकेंड हैंड चीज़ अगर मुझे चाहिए तो मैं इस शॉप से खरीद सकता हूँ अभी मेरे को ये बेसबॉल का बैट चाहिए जो कि मैंने एक खरीद लिया आई डो नॉट सजेस्ट इट वॉज लाइक अ वार्म इन साइड ओह एक सेकेंड ये बोल रहे कि इट वॉज लाइक अ वार्म इन साइड तो क्या यहाँ पर पंख ओ भाई एयर कंडीशनर भी तो है लेकिन भाई बहुत महंगे भाई इतने पैसे मेरे नहीं ये फोर नाइन नाइन डॉलर्स का ये तो मैं परचेस कर सकता हूँ लेकिन यार मुझे एक एक एरकेड मशीन परचेस करनी है क्योंकि अगर मैंने इस पर पैसे खर्च करे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा लेकिन अगर ये मैंने ये वाली मशीन्स परचेस करी ना तो लोग यहाँ पर आएंगे उसको खेलेंगे उससे पैसे मिलेंगे लेकिन एयर कंडीशनर का तो कोई फ़ायदा नहीं है क्या पर फैंस मिलते भाई फैंस भी तो है एक डॉलर का एक फ़ैन है या भाई फ़ैन को तो बाय हम कर सकते हैं तो एक फ़ैन बाय कर लिया मैंने तो अभी ये ऊँट पर बंदा बैठ कर आएगा एंड फैन देकर चला जाएगा बट अभी अभी एक कस्टमर आया है उसने रिक्वेस्ट भेजी है तो सबसे पहले उसके रिक्वेस्ट अप्रूव करते हैं दो घंटे के लिए एक बार मैं टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ इसका टेम्परेचर ओ ये हॉट देखो यहाँ पर हॉट बताकर आ रहा है सो दैट्स से मुझे यहाँ पर एक पंखा लगवाना ही पड़ेगा तो जैसे मैं यहाँ पर एक फ़ैन लगवाऊंगा ना तो लोग खुश रहेंगे और ज़्यादा रेटिंग देंगे मेरी शॉप की सो दैट्स साइ मैंने एक फ़ैन अभी ऑर्डर कर दिया है पता नहीं ये कब आएगा चल निकल इधर से ये चोर हमेशा इधर घूमता रहता है लास्ट टाइम भाई इसने मेरा बहुत नुकसान करवाया था ओ वोट आ गया एंड पार्सल भी दे गया और भाई ये बहुत बड़ा फ़ैन है और अभी ये फ़ैन हम यहाँ पर लगवाएंगे जस्ट लाइक दिस उसका उस तरफ होना चाहिए कस्टमर की तरफ या एंड अभी उसको हवा लगेगी प्रेस ई टू स्टॉप ओके मैंने स्टार्ट कर दिया तो अभी देखते हैं अभी टेम्परेचर में क्या बदलाव आता है थर्टी वन अभी भी थर्टी वन दिखा रहा है भाई लेकिन अगर मैंने यहाँ पर फैंस वगैरह यूज करे ना तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी तो ज्यादा आएगा अभी भी थर्टी वन ही भाई एक फैन पूरा मैंने लगवा दिया है लेकिन थर्टी वन ही दिखा रहा है चलो सर पैसे दे दो वन फोर्टी फोर डॉलर और एक कस्टमर आया है वेरी नाइस nice. लेट मी सी इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्टी क्या नो कस्टमर्स कम आफ्टर वन ओ क्लॉक ओके okay, तो एक बजे के बाद कोई भी कस्टमर नहीं आता अभी आ, रात के लगभग एक बज रहे तो एक बजे के बाद यहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं आएगा ओ भाई मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना है कि नहीं तो यार मैं पूरी रात पर यहाँ पर बैठूंगा और कोई भी कस्टमर नहीं आएगा तो अभी ये हमारा आखिरी कस्टमर होगा और इससे पैसे लेने के बाद हम शॉप को बंद करेंगे सेवेंटी फाइव डॉलर वेरी नाइस और अभी समय आ चुका है अपने कैफे को बंद करने का हम डायरेक्ट स्विच बंद करेंगे वेरी नाइस और ये हम आ गए अपने घर पर अभी सबसे पहले सो लेते हैं फाइनली अभी एक अच्छी नींद लेते हैं एंड देन सुबह होने के बाद भाई इतनी जल्दी सुबह भी होगी वेरी वेरी नाइस अभी चलते फिर से एक बार अपने कैफे पर एंड भाई आज के दिन मेरे को बहुत सारा काम करना है आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज पूरा का पूरा एक पीसी बना के ही रहूंगा नहीं पीसी नहीं आज हम एयर केड मशीन्स को बाय करेंगे और बाकी की भी चीज़ें भाई बहुत सारी चीजें करनी है वायरस स्कैनर एक बार ना मैं स्कैन करके देख लेता हूँ कितने वायरसेस हैं हमारे पीसी पर वो बाई प्रीमियम फिफ्टी डॉलर पर डे आई डोंट वॉन्ट टू बाई प्रीमियम मतलब भाई एकदम फुल्ली एकदम रियल लाइफ वाली फीलिंग है, है, तो है।, है और एक कस्टमर आ गया है, इसने रिक्वेस्ट भेजी है मी एक्सेप्ट हिज रिक्वेस्ट अरे यार इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई अरे यार सॉरी सर सॉरी सर अरे यार ये क्या बकवास है यार कस्टमर अभी तो आया था ये बॉम्ब स्क्वाड वाला निकल इधर से घरे कहीं के यार एक कस्टमर अभी अभी तो आया था एंड बीच में से इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होगी वो सर क्या हो रहा है ओ इसको गर्मी लग रही है एक सेकेंड एक सेकेंड सर डोंट वरी अपने पास पंखा है बहुत बड़ा वाला अभी टेम्परेचर कितना है एक बार दे नहीं टेम्परेचर तो सही है देन उसको इसने एंग्रीनेस क्यों दिखाया भाई फ़ैन को ऑफ करते एक सेकेंड भाई सबसे पहले इसकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर देते भाई क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को उसने तीन घंटे की रिक्वेस्ट अप्रूव करी है वायरस कैन सेवेंटी सेवन परसेंट हो चुका है ओके ओ अभी वायरस डिलीट हो रहे तो इसने स्कैन भी कर लिए और डिलीट भी कर लिए ताकि यू you नो know, हमारा पीसी सेफ रहे 111 हंड्रेड एंड इलेवन डॉलर ओ माई गॉड तो अभी मैं वो एयरकेड मशीन खरीद सकता हूं मेरे को वो बाय करनी भाई है अभी मेरे पास कितने आ गए पैसे 702 हंड्रेड डॉलर तो आई थिंक आई कैन बाय दैट मशीन एक काम करता हूँ मैं फाइव हंड्रेड डॉलर्स की बाय कर लेता तो ना ये सिक्स हंड्रेड डॉलर की तो मिल रही है ये डिफेंडर एयरकेड मशीन ये क्या है ये गेमर बॉक्स एरकेड मशीन आई डोंट नो भाई कौन सी बाय करो मैं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई क्योंकि पता नहीं भाई इससे कितने पैसे मिलेंगे और क्या चीज़ें होती है तो अप्रूव कर देते हैं दूसरा कस्टमर आ चुका है आ, वैसे ये स्पेस फाइटर मशीन ये भी मैं बाय नहीं कर सकता इसके लिए मुझे थोड़े से और पैसे चाहिए एक काम करता हूँ मैं ये बंदे से पैसे लूँगा एंड देन मैं स्पेस फाइटर मशीन ये बाई करूंगा ठीक है अभी बस मुझे इसके लिए थोड़े से और पैसे चाहिए एक सेकेंड उसने थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करने को मांगा है मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा डोंट वरी सर तीन घंटे तो इससे मेरे को लगभग हंड्रेड डॉलर तो इजीली मिल जाएंगे और मिल जाने चाहिए अभी एक, एक मिनट में टेम्परेचर एक बार चेक कर लेता हूं नाइनटीन डिग्री कोई जरूरत नहीं है फैन को ऑन करने की क्योंकि भाई फालतू तो का पैसा मेरे पास नहीं पड़ा है कि मैं फैन को ऑन करूं हमेशा ओ ये भाग रहा है एक सेकेंड एक सेकेंड ये, ये बंदा बिना बिना पैसे दे रहे बिना पैसे दे भाग रहे ये पैसे दे पैसे दे पैसे आओ ये बिना पैसे दे रहे भाग रहे भाई यार ये लोग ऐसे क्यों करते हैं यार पैसे दे पैसे दे मेरे को मेरे को मेरे पैसे चाहिए पैसे ओ मिल गए भाई one thirty six dollars मिल गए अगर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया होता ना तो भाई ये one thirty six dollars ऐसे ही चले जाते हो भाई मैंने क्या मतलब क्या टाइम पे बचाया है। oh my गॉड फाइनली one thirty एक सेकंड एक सेकंड वो चोर आया चोर वो चोर अरे यार अरे क्या अरे oh my गॉड oh my गॉड अरे वो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाग रुको रु रुक, पैसे। ओ भाई भाई बच गया भाई। ओ ये मेरा कीबोर्ड लेकर जा रहा था भाई। uh, अरे यार ऑलरेडी कैरिंग बोर्ड है मेरे को ये फेंकना पड़ेगा ओ भाई बचा ले मैंने मेरा पिक कीबोर्ड बोर्ड <laughs> देखा वो कैसे चोरी चुपी आ रहा था और यार ये स्केप और क्यू के बीच में ना कंफ्यूजन हो जाता है सो दैट भाई मेरे को ठीक से समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ मैं डर गया था क्योंकि भाई वो चोर चोरी करने के लिए फिर से एक बार आ रहा है गधे के के निकले इधर से मेरे को मेरा डंडा दे दे दियो और अभी मैं वो एरकेट वाली मशीन परचेस कर सकता हूँ वो yeah. एक न्यू कस्टमर आई है वेलकम मैडम आपका स्वागत है चार घंटे के लिए मैडम बैठने वाली है तो मेरे पास अभी टोटल एट हो गए हैं तो अभी मैं वो या ये मैं बाय कर सकता हूँ लेट्स बाय दैट मशीन फाइनली एक मशीन मैंने बाय कर ली और अभी मेरे पास सिक्सटी डॉलर्स बचे भाई मैंने लगभग मेरे सारे पैसे एक मशीन के लिए खर्च कर दिए एंड आई डोंट नो भाई निकले से चोरटे <laughs> क्योंकि यही आता है और भाई मशीन कर लेकर जाता है टेम्परेचर कितना एक बार देख लेता हूं कोल्ड ही है दिक्कत की कोई भी बात नहीं है ओ ये लड़की भाग रही है मैडम ऐसा नहीं होता मैडम मैडम कहा गई मैडम या ये लड़की है पैसे दो पैसे दो पैसे मिल गए फोर्टी वन डॉलर्स मिल गए भाई वो भी फ्री में लेकर भागे थे और ये ऊट आ गया आ जाओ सर और मेरे को अपना जल्दी वो आर्केड वाली मशीन दे दो ये बंदा अभी भी पीछे निकलना इधर से मेरे पास अभी यार डंडा है बेस बॉल का बैट है पूरा का पूरा और इसने ओ भाई कितनी बड़ी मशीन है एंड ये थोड़ी सी पुरानी है बट कोई बात नहीं चलता है भाई इतना थोड़ा तो थो चलता ही है और अभी हम इस मशीन को रखेंगे यहाँ पे आर्केड मशीन तो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दी है बट अभी तो कोई कस्टमर नहीं आया भाई डू नॉट सजेस्ट इट वॉज लिटिल वॉर्म इन साइड अब मैंने फ़ैन तो लगाया है अभी आई गेस इट्स अ वेरी हॉट बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर्स भाई मैंने फ़ैन लगाया है भाई पूरा आई वॉज पीइंग ऑन माई पैंट्स इट वुड बी ग्रेट इफ देर वॉज अ टॉयलेट ओके तो एक बंदे ने पैंट में ही सुसू कर दी तो ये बोल रहा है कि अच्छा होता अगर यहाँ पर कोई टॉयलेट होता क्या मैं टॉयलेट वगैरह भी यहाँ से खरीद एक सेकेंड भैया यहाँ इस में टॉयलेट भी है एक सेकेंड भाई देख लेते हैं आइटम्स uh, में uh, नहीं आइटम्स में पता नहीं टॉयलेट किस में होता है ये वेंडिंग wow. तो बट ये अभी लॉक है इसको अनलॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आई डोंट नो एक, oh God, एक स... मेरे को ही था मेरे को ही था ये यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पंगा होने वाला है भाई यार क्यों यार ये लोग क्यों आते यार मेरा पूरा ये... खराब कर देते हैं यार क्या मैं इस गेम में बॉडी वगैरह भी रख सकता हूँ मतलब जो मेरी शॉप को प्रोटेक्ट करेंगे ये इन लोगों से मे भी मैं इस गेम में ना सारी चीजें कर सकता हूँ यार यहाँ पर देखो लिक्विड सोप फ्रिज वगैरह ये सारी भी चीज़ें लॉक्स है मुझे इनको अनलॉक करने के लिए मे भी इस गेम में कुछ करना पड़ेगा देन ये चीज़ें अनलॉक हो जाएंगी ओ भाई डोनाल्ड ट्रंप आए अपने शॉप पे वेलकम सर स्वागत है आपका भाई काफी बड़े बड़े आदमी अपने शॉप पर भी आने लगे तो ये एम्प्लॉय वाले ऐप में से मे भी मैं लोगों को अपने शॉप पर काम के लिए रख सकता हूं एज अ बॉडी गार्ड और समथिंग एल्स एक सेकंड एक सेकंड माइंड क्राफ्ट खेल रहा है एक सेकंड वट डोनाल्ड ट्रम्प माइंड क्राफ्ट खेल रहे वट द है ओ भाई डोनाल्ड ट्रम्प लिटरली माइंड क्राफ्ट खेल रहे हैं जो कि गेम हमने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करी थी एंड एक लड़की आई है एरकेट के लिए एंड इसने फोर्टी फाइव डॉलर इसमें डाल दिए ओ भाई फाइनली फाइनली हमारा बिजनेस अच्छी तरीके से भी रन हो रहा है निकल इधर से निकल अरे निकलना है एक सेकेंड ओ भाई हो बच गया भाई फाइनली मेरे को लगा था ये भी डोनाल्ड्रो भी ऐसे उठकर चले जाएंगे भाई नुकसान हो जाता ये चोर यहाँ पर क्यों आता है यार मुझे उस एम्प्लॉयमेंट वाली एक सेकेंड उस ऐप को मुझे इंस्टॉल करना है क्या वो ऐप इंस्टॉल होगी एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ ओके डाउनलोड हो रही है 86 परसेंट तो यहाँ से मैं भी मैं ना एम्प्लॉयज को हायर कर सकता हूँ जो कि मेरे शॉप का ध्यान रखेंगे एन अभी शॉप में भाई काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है तो यार क्योंकि लाइट्स ही नहीं है मुझे थोड़ी सी लाइट्स भी यहाँ पर परचेस करनी पड़ेगी यहाँ पर और एक आदमी आ चुका है जिसने फोटी फाइव डॉलर्स उस आर्केट मशीन डाल दिए वेरी नाइस थैंक यू सो मच सर एंड अभी इस एम्प्लॉय को देखते हैं ओ oh, एक सेकेंड देखो इट कैन प्रोटेक्ट यूर शॉप फ्रॉम ऑल द काइंड ऑफ अटैक्स न्यूट्रलाइज यूर एनिमी विद अ वेरी फास्ट रिएक्शन ओ भाई साहब तो फाइनली यहाँ पर मैं इनको भी मतलब हायर कर सकता हूँ ये क्या है इट अटेंशन ऑफ योर पोटेंशियल कस्टमर ओ यहाँ पर एक पांडा भी है तो ये तीन दिन के लिए एक सौ पचास डॉलर लेता है ओ oh, सर पैसे ओ oh, सर काफ़ी अच्छा है वन हंड्रेड एंड एटी एट डॉलर थैंक यू सो मच सर अरे मुझे ना यहाँ पर थोड़ी सी लाइट्स को परचेस करना है क्योंकि यार ये सारे के सारे जो लाइट्स है वो खराब हो चुकी है ये क्या है और नाइट मेर ऑफ थी एंड नॉन प्लेइंग कस्टमर्स ओ बाउंसर तो जो लोग यहाँ पर खेल कर पैसे नहीं देंगे उनके लिए मैं बाउंसर्स हायर कर सकता हूँ जो कि उनसे पैसे भी लेंगे और जो चोर है उनको मारेंगे भी बट ये तीन दिन का दो सौ साठ डॉलर लेता है उसको मैं हायर कर सकता हूँ भाई यार काफ़ी सही है यार मतलब गार्ड्स है बाउंसर्स है इतने सारे लोग हैं एक क्लीनर भी है बट क्लीनर छः सौ डॉलर्स लेता है भई एक <laughs> तो काम करता हूँ अभी मैं कुछ हायर नहीं करने वाला क्योंकि भाई मेरे पास अभी इतने पैसे हैं नहीं अभी मेरे कि पास कितने हैं पाँच सौ सत्रह डॉलर्स है तो अभी मैं काम करता हूँ मुझे ना थोड़ी से यार लाइट्स को वगैरह बाय करना है क्योंकि यार हमारे शॉप में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा है इंटरनेट कैफ़े पर तो अभी देखता हूँ यहाँ पर क्या मैं लाइट्स को बाय कर सकता हूँ या लैम्प्स मुझे लैम्प्स बाय करना है एक काम करता हूँ तो ये नब्बे डॉलर के मैं दो लैम्प ऑर्डर करवा देता क्योंकि यार शॉप में काफी ज्यादा अंधेरा हो रहा है ऊट आ गया द बेस्ट डिलीवरी इन द वर्ल्ड और ये लैंप भी आ गया और अभी मुझे इस लैंप को लगवाना है एक लैम्प मैं लगवाऊंगा यहाँ पे या लग गया एंड दूसरा लैम्प यहाँ पे ओ यस तो देखो अभी अभी लाइट आ चुकी है एंड मुझे इस लैम्प को यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये वाला लैम्प पूरी तरीके से खराब हो चुका है और उसको मैं यहाँ पर फेंक दूंगा वेरी नाइस nice. अभी हमारा बिज़नेस बहुत अच्छी तरीके से रन हो रहा है भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ी सी साफ सफाई भी कर लेते हैं क्योंकि भाई काफ़ी सारे गंदगी है शॉप में एक और आदमी आया है शॉप पर वेलकम सर स्वागत है आपका हमारे इंटरनेट कैफे पे एंड लिमिटलेस तो इससे हमको काफ़ी सारे पैसे मिलने वाले हैं चार डॉलर में कोई आयरकेट मशीन मिल रही है क्या भाई मुझे चाहिए आ, ये पाँच सौ डॉलर की है एक सेकेंड ये तीन डॉलर की मेरे को मिल रही है गेमर्स बॉक्स आयक्रेड मशीन तो मैं ये बाई कर लेता हूँ और एक बंदा आ चुका है फोर्टी फाइव डॉलर्स तो ये इसका रेट फिक्स है ये जो एयरकेड मशीन है ना उसका रेट फिक्स है इसमें से हमको फोर्टी फाइव डॉलर्स हर बार मिलेंगे तो मतलब यार अच्छा है ना मतलब जितनी ज़्यादा मैं मशीन से यहाँ पर रखूंगा ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए एंड ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है क्योंकि यार अगर मैं यहाँ पर पूरा सेटअप अगर बनाता हूँ ना तो भाई पी की कीमत जस्ट छः सौ है एंड यहाँ पर तो भाई इजिली छः सौ डॉलर में एक एयरकेड मशीन आ जाती है एंड मैंने बाय कर दी लेट्स गो अभी मेरे पास दो मशीन आएगी और एक सेकेंड सर पैसे ले रहा हूँ मैं आपसे अरे पैसे अरे यार अगर पैसे नहीं लेते तो ये लोग भाग भी जाते पैसे दे मिल गए वन थर्टी डॉलर भाई अच्छा वो मैंने उसको मारा और पैसे भी मिल गए और इसने एक एक लड़की और आई है वो भाई अभी बिजनेस काफी अच्छे तरीके से रन हो रहा है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अभी ट्वेंटी डॉलर कोई बात नहीं बाद में जरूर आना तो यार सबसे मतलब जो इफिशियंट जो चीज है ना वो ये ये आरकेट मशीन है क्योंकि हमको इससे काफ़ी सारे पैसे एक साथ मिल जाते हैं और एक हमारी नई आईक्रेड मशीन आ गई सेकेंड हैंड इसको उठा अभी मैं अंदर लगवा देता हूँ इसको मैं कहाँ पर लगवाऊँ अभी इसको यहाँ पर लगवाते हैं एंड यार मुझे ना अपने शॉप को थोड़ा सा एक्सटेंड भी करवाना ही पड़ेगा क्योंकि यार ये काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है तो अभी 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 ना अंधेरा हो रहा है तो सबसे पहले लाइट को बंद करके सोने के लिए चलते हैं क्योंकि रात में कोई आता नहीं है कस्टमर सेकेंड फ्लोर पे वैसे कौन रहता है मतलब क्या होगा अगर मैंने लिफ्ट को सेकेंड फ्लोर पर स्टॉप कर दिया ओके okay, ये हम बाद में करेंगे आज नहीं आज मेरे को बहुत सारा काम करना है लेट्स गो तो इससे मेरे को अगर फोर्टी फाइव डॉलर मिलते हैं ना तो इससे मेरे भी मेरे को ट्वेंटी मिलेंगे बट एनी वेज एटलीस्ट पैसे तो मिलेंगे भाई क्योंकि पैसे चाहिए तभी मैं अपने इंटरनेट कैफे को अपग्रेड करवा सकता हूँ एंड एम्प्लॉयज में ना यहाँ पर ये मेस्कॉट है इट द अटेंशन ऑफ योर पोटेंशियल कस्टमर्स तो अगर मैंने इसको हायर किया ना तो ये लोगों को अपने शॉप पर बुलाएगा तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको हायर कर ही लूँ तो इसको अभी ना मैं हायर करके देखता हूँ एक बार ओके मैंने हायर कर दिया और अभी ये बंदा कहाँ पे है मुझे देखना है ओ ये लड़की भी माइंड खेल रही है बहुत सही बट जिसको मैंने हायर करा है वो बंदा कहाँ पे, पे है वो मोस्कॉट या पांडा जैसा उसका शक ओ, आ रहा है देखो आ को या, ओ, आ ओ गया तो ये अभी सीधा लोगों को ना अपने शॉप पर लेकर आएगा ओ माय गॉड दैट्स नाइस सबसे पहले काम करता हूँ अपने शॉप पर ना थोड़ा सा स्प्रे वगैरह मैं छिड़क देता हूँ ताकि यहाँ पर लोगों को अच्छी स्मेल आए यहाँ पर अच्छी स्मेल आना इंपॉर्टेंट है खेल भाई माइंड खेल ओके okay, इस लड़के ने उसका टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए बोला है मेरे को तो जल्दी से मैं एक्सेप्ट कर लेता अप्रूव अप्रूव ओके एंड फाइनली वो पैंडा आ चुका oh, wow. nice. तो, देखा, ये पांडा नाच रहा है चोर 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 ओ oh, भाई अरे यार ये ऐसा क्यों होता है यार मेरे साथ आ, मुझे उसको नहीं मारना मुझे तेरे को न, नहीं मारना था यार माय गॉड ओ भाई यार ये हर बार क्यों होता है मेरे साथ ओके okay, तो इस मशीन से मुझे थर्टी डॉलर मिलते हैं बहुत सही है भाई पांडा नाचना यार क्या कर रहा है यार टाइम पास क्यों कर रहा है <laughs> तो ये जब नाचता है तो लोग अपने शॉप पर आते हैं वन सेवेंटी सेवन डॉलर भाई काफी ज्यादा पैसे एक साथ मिल गए एंड थोड़ा सा मैं फैन को ना ऑन कर मतलब ऑन रख देता हूँ ताकि यहाँ पर लोग आए टेम्परेचर मेरे रूम का यार वार्म दिखा रहा है तो दैट्स वाई यहाँ पर लोग बोल रहे कि यहाँ पर वार्म होता है अभी मैं सोच रहा हूँ कि जरा अपने कैफे को ना मैं थोड़ा सा ठीक करवा लूँ क्योंकि भाई बहुत गंदा लग रहा है यार ये तो सबसे पहले मुझे ना फ्लोर को ठीक करना है क्योंकि भाई फ्लोर बहुत गंदा है सीरियसली मतलब उल्टी करने का मन कर रहा है तो ये वाला फ्लोर कौन सा फ्लोर भाई मैं कौन सा फ्लोर कौन सा रखूँ सारे के सारे टू हंड्रेड डॉलर में हमको मिल रहे हैं तो मे भी मुझे यहाँ पे डिजाइन वाला चाहिए ये वाला या ये बाय करते ओ देखो नीचे भाई पूरा कारपेट डल गया एकदम तमीज का आई मीन तमीज से वाह अभी अच्छा लग रहा है अभी सीरियसली ना मतलब देखने में सही लग रहा है और एक बंदा आ चुका है और एक कस्टमर आ चुका है एंड फिर से एक बार मुझे थोड़ी सी लाइट्स को बाय करना पड़ेगा क्योंकि भाई वो बॉम्ब स्पॉट वाला आया था और वो उसने लाइट्स को तोड़ दिया तो सीलिंग वाले में दो लैम्प बाय करूंगा ठीक है पेमेंट कर दी मैंने अभी दो लैम्प आएंगे इस बार हमने सीलिंग फैंस मंगवाए जो कि छत पर लगते हैं ना राइट यहाँ पे एक आ, अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पे या यहाँ पे अच्छा लग रहा है एंड दूसरा दूसरा कहाँ पर लगाएंगे ई टू पिकअप दूसरा हम लगाएंगे यहाँ पे अरे लग जा यार आ, यहाँ पे हाँ पैसे 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 चाहिए पैसे पैसे सर पैसे ऐसे ऐसे, ऐसे कैसे यार ये लोग बीस बीस में क्यों आते तो, जब आते हैं तो उनको लगता है पैसे चाहिए मेरे को अरे यार पैसे तो देना मेरा डंडा पर गया भाई मैंने डंडा कहीं तो रखा है मेरे को याद नहीं आ रहा है, है, भी भी है जल्दी से एक डंडा परचेस कर लेता इससे मारूंगा ओके अभी आजा अभी आ जा अभी आ जा आ जा, जा, जा। मारना अभी मारना गधे हो एक बज चुके हैं तो एक बजे के बाद यहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं आता तो ये हमारा आज का लास्ट वाला कस्टमर होने वाला है एंड तब तक के लिए भाई यहाँ पर मैं जितनी गंदगी है थोड़ी सी साफ कर देता हूँ ओ भाई आज बहुत सारा काम कर लिया मैंने लिटरली मतलब बहुत सारा एंड बिजली का बिल भी आया है आई गेस मैंने देखा ही नहीं है एक सेकेंड में देख लेता हूँ थोड़ा सा uh, कहाँ पर भाई बिजली का बिल ओ भाई बिल भी आता है एंड भाई ओके भाई छः डॉलर भाई ईजी है कोई दिक्कत नहीं है सर पैसे है पैसे चाहिए मुझे सर सर आप ऐसे जा नहीं सकते मेरे पास अभी डंडा है वन ट्वेंटी वन डॉलर्स मिल गए और अभी मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी आ चुके हैं अभी मेरे पास लगभग बहुत सारे लगभग छः सौ डॉलर्स हो चुके हैं और अभी ना अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो अभी मुझे घर पर जाना पड़ेगा सोने के लिए सो अभी लाइट्स को बंद कर देते सब कुछ ऑफ हो गया ओके okay, बंद हो गया भाई फैन को बंद करना नहीं तो यार फोकट का बिल आ जाएगा बहुत सारा और अभी अपने घर पर चलते सोने के लिए वेल दैट दैटिंग से आज के लिए बस इतना था वीडियो बसना होगा एंड मुझे इसके नेक्स्ट एपिसोड में और क्या क्या चीजें करनी चाहिए यार प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर दो क्योंकि ये गेम मेरे लिए नया है एंड लेटरली मैं इस गेम से थोड़ा एडिक्ट हो चुका हूँ सो so, अभी इसके बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो बाई गाइड्स